कहाँ रो रहा है कालू? निकलना है? अच्छा चलो चलो ठीक है, आओ आओ इलाज आ रहा है। कहाँ जाओगे? हाँ चलो गेट खोल देंगे फिर, आओ आओ चलो कालू। हुजूम हुजूम निपा, हुजूम निपा, चलो उनको जाना है उधर। उनका दोस्त है ना कालू का, तभी वो बुला रहा है, उसको भौंक रहा है ना। जाओ फिर चलो दुलांग दुलांग, चलो आओ आओ जाओ जाओ कालू जाओ। देखिए उसका दोस्त बुला रहा है, अभी भागेगा उसके पास। देखिए मौसम अब साफ कर दिया है, बारिश के बाद वाला मौसम। देखिए चारों तरफ एकदम साफ साफ दिख रहा है मौसम। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है इस तरफ से, क्योंकि अभी मौसम साफ हो गया है बारिश के बाद। देखिए तो क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बारिश भी बहुत मतलब अच्छा हुआ है और हवा भी बहुत किया है, तो मैं और लाली निकल गए हैं बाल्टी लेकर के आम चुनने के लिए। आम बहुत सारा गिरा होगा क्योंकि इस बार आम बहुत अच्छा आया है, तो देखें लाली कहीं चुन रही होगी, देखते चलिए। इस तरफ तो बहुत छोटा मतलब इस वाले पेड़ का आम तो बहुत छोटा छोटा है, बट गिरा है देखिए इस तरफ, और लाली इस तरफ चुनती होगी। अभी खैर बहुत अच्छे से दिखेगा नहीं क्योंकि शाम हो गई है, अब लगभग रात होने वाली है, शाम तो हो ही गई है। खैर अच्छा लाली हम लोग को दिख गई है, देखें इस तरफ आम चुन रही है। एक कांच को मीना लाली निपा बनिए थे देखिए चिमने मलांग तर, देखिए कितना चुनी है, देखते हैं। इस पेड़ वाले आम ना वो ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है, वो छोटू छोटू है। तो चलिए लाली के पीछे पीछे रवंग कर लीजिए, और ठंडा भी लग रहा है अभी। चब है ना जी लाली, ठंड लग रहा है। बारिश पहली बार अच्छी वाली बारिश हुई है गर्मियों में। बांकु अदाई अच्छा, वो दीदी पूछ रही थी कि कहीं मेरा बत्तख बच्चक सब इधर तो नहीं आया है ना, तो बत्तख बच्चा इधर आया है नहीं, तो हम लोगों ने बोला कि आया है नहीं बत्तख बच्चा। दुला चलो लाली बोले ठंडा लग रहा है, चलो भाई चलो भागते हैं। देखिए कितना चुने हैं हम दोनों लाली के साथ, तो इसका चटनी बनेगा या फिर गुड़म्बा बनाएंगे हम दोनों।